मुजफ्फरनगर, रुड़की, मेरठ और अब गाजियाबाद, एक के बाद एक कावड़ियों के ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिससे साफ है कि उन्हें ना तो कानून का कोई डर है और ना ही किसी नियम के परवाह। अभी तक तो कुछ कावड़ियों के आतंक से सिर्फ ढाबे वाले और आम आदमी ही परेशान थे, लेकिन अब कावड़ियों के निशाने पर पुलिस वाले भी आ गए हैं। सोशल मीडिया पर गाजियाबाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ कावड़िए पुलिस की गाड़ी पर ही डंडे बरसा रहे हैं, उस गाड़ी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और तो और गाड़ी को पलट भी दे रहे हैं। खबर पर आगे बढ़ने से पहले आप इस घटना का पहले पूरा वीडियो देखिए, इन गुस्साए कांवड़ियों को देखिए। यह घटना गाजियाबाद की है। 29 जुलाई को हुई इस घटना के बाद पुलिस का बयान भी सामने आया है। जिन जिन इलाकों से कांवड़ियों गुजरते हैं वहां भीड़भाड़ वाले इलाके में कांवड़ यात्रा के लिए अलग से एक लेन को आरक्षित किया गया है जिससे ट्रैफिक की कोई समस्या ना हो। उसी आरक्षित लेन पर कुछ कांवड़िए जा रहे थे, इसी बीच एक प्राइवेट गाड़ी भी उसी लेन पर चढ़ गई। गाड़ी को पावर कॉर्पोरेशन विजिलेंस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है इसलिए उस पर पुलिस का स्टिकर और हूटर भी लगा था। गाड़ी गलती से एक कांवड़िए को टच हो गई, उसके बाद वहीं हंगामा शुरू हो गया। जैसी तस्वीरें पिछले कई दिनों से नज़र आ रही हैं वही तस्वीरें फिर दिखने लगी। इस मामले पर अब ACP अभिषेक श्रीवास्तव का भी बयान आया, आप वो भी सुनिए। आज दिनांक 29 जुलाई को थाना क्षेत्र मधुबन बापूधाम के अंतर्गत दुहाई मेट्रो स्टेशन के पास सुबह करीब 10:15 बजे एक गाड़ी के द्वारा एक कांवड़ियों को टक्कर लगने का प्रकरण संज्ञान में आया, जिसमें आक्रोशित होकर कांवड़ियों के एक समूह के द्वारा गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी गई। उक्त सूचना पर तत्काल ही थाना पुलिस द्वारा पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर वापस भेजा गया। उक्त घटना की जांच में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि यह बोलेरो गाड़ी अवनीश त्यागी नामक चालक चला रहा था तथा इसके द्वारा अनाधिकृत रूप से कांवड़ियों हेतु आरक्षित लेन में प्रवेश कर लिया गया, जिसके कारण यह दुर्घटना कारित हुई। ड्राइवर तथा गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है। यह गाड़ी ये अवनीश त्यागी हाइडल विजिलेंस के लिए चलाता है। इससे पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। उक्त प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कांवड़ियों के दिन प्रतिदिन ऐसी खबरों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आया। उन्होंने कांवड़ियों से शांति और आत्म अनुशासन बरतने की अपील की है। CM योगी ने कहा, कोई भी साधना बिना आत्मानुशासन के पूरी नहीं होती है। सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए हमें न केवल अंतःकरण से बल्कि बाहरी रूप से भी उस पूरी प्रक्रिया के साथ लीन होना पड़ेगा। शिव बनने के लिए शिव जैसी साधना भी चाहिए, उस प्रकार का आत्मानुशासन भी चाहिए और तब यह कांवड़ यात्रा न केवल श्रद्धा और विश्वास की प्रतीक के रूप में बल्कि आम जन के व्यापक विश्वास की प्रतीक बनकर के उभरेगी, जैसा कि समय हम लोग देख रहे हैं माहौल। आपको बताते चलें कि बीते शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मेरठ से भी ऐसा ही एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक कार की टक्कर से कांवड़ खंडित होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद कांवड़ियों ने बीच सड़क पर उस कार में जमकर तोड़फोड़ की। साथ ही कार में सवार लोगों को गाड़ी से निकालकर पीटने लगे। कार सवार 3 लोग तो भाग गए लेकिन एक शख्स कांवड़ियों के हत्थे चढ़ गया। कांवड़ियों ने उसे लात घूंसे और डंडों से जमकर पीटा और उसके कपड़े तक फाड़ डाले। वहीं 24 जुलाई को रुड़की में भी कांवड़ियों ने ई रिक्शा चालक को जमकर पीटा था, उसका ई रिक्शा भी तोड़ दिया था। आरोप था कि ई रिक्शा कांवड़ियों से टकरा गया था। इससे पहले मुजफ्फरनगर में भी कांवड़ियों ने एक ढाबे में तोड़फोड़ की थी। आरोप था कि मना करने के बावजूद कांवड़ियों के खाने में प्याज का इस्तेमाल किया गया। खाने में प्याज देखकर कांवड़िए बुरी तरह भड़क गए और इसके बाद खूब बवाल किया गया। अब वापस गाजियाबाद वाली खबर पर आते हैं। जिस गाड़ी पर कांवड़ियों ने हमला किया उसे कब्जे में ले लिया गया है और ड्राइवर से भी पूछताछ की जा रही है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इस खबर के लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी विभावरी ने। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली टॉप। शुक्रिया।